Good morning, students. It's a long time. We are not in a direct touch. And you know, it is all because of this pandemic. let me tell you one thing, every day is a new challenge. And every challenge gives you an opportunity. And how to utilize this opportunity effectively and efficiently, and this is the best way to handle each and every second and each and every difficult situation in our life, right? So what is the thing, what is the adverse thing that you are facing nowadays? How to learn, how to deal with this difficult situation? So let me tell you one thing again, that thanks to information technology, which provide you a way to learn new things in a new way. Right? So what is all about? The big question is how to utilize it properly, how to make it effective, how to make it efficient, right? So there are lots of questions in your mind, and I'm going to answer it one by one. Okay, so first big question is, what is the best way to utilize online learning? Number two, what are the advantages? Right? Number three, is this equally efficient in comparison to offline or face to face? Obviously, the one thing that when we are going to compare offline or face to face, so there is no substitute. But when we're talking about the productivity, right? Then here we stand equally. How come? Okay, let me tell you one thing, that this is your online mode. Number one advantage is permanent content. Don't you think it is the best way to learn the things? Why I'm saying it is a permanent content? Because you are getting PPTs, you are getting PDFs, you are getting handwritten notes, जिनको आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इनको देख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं. नंबर टू, ऑफलाइन में नोट्स किसको बनाने हैं? स्टूडेंट्स को. और ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिकली अरेंज कौन कर रहा है? टीचर. जीडी गोइंग का कानपुर का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है एक्स्ट्रा मार्क्स का कंटेंट आपको अवेलेबल करवाना, जो मुझे नहीं लगता कि पूरे कानपुर में किसी ने भी इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल करवाया हो. एक्स्ट्रा मार्क का कंटेंट आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं. एक्स्ट्रा मार्क का कंटेंट की फुल एक्सेस है आपके पास, उसके सारे मॉड्यूल्स आप एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं पर भी. और उन मॉड्यूल को सिस्टमैटिकली अरेंज कौन कर रहा है? टीचर्स. और टीचर्स की जो वर्किंग है उसके पीछे बहुत मेहनत है. वो स्लाइड्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उन स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी स्लाइड आपको देनी है, उनसे कौन से इफेक्टिव क्वेश्चंस निकालने हैं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. राइट? यानी आपके लिए लर्निंग वो सिर्फ 30 मिनट की है, लेकिन उसके पीछे जो टीचर की लर्निंग होती है वो और उसकी जो वर्किंग होती है वो कम से कम होती है 30 मिनट की क्लास के लिए 3 आवर्स. राइट? इसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वो ये मिलता है, दीज आर द परमानेंट कंटेंट. नंबर थ्री, एक और क्वेश्चन आता है कि इससे डाउट क्लियर कैसे होंगे? द डाउट क्लियरिंग सेशंस. डाउट क्लियरिंग सेशंस में अगेन जीडी गोइंग का कानपुर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर टीचर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं. आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, आप उनको अपने क्वेश्चंस
भेज रहे हैं, आप उनको उनको टेक्स कर रहे हैं, आप उसमें पॉइंट आउट कर रहे हो, उन पीडीएफ को लाइन करके आप पूछ रहे हो, पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ रहे हो और टीचर आंसर उसके दे रहे हैं। ये बेस्ट थिंग आपको कहाँ मिलेगी? ऑफलाइन में तो होता है कि एक बार लेक्चर ख़त्म हुआ और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, रिविज़न क्लास होगी, बट यहाँ यहाँ इमीडिएटली इवन एक वीक के एंड में आपको कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड भी पूछना है तब भी आप क्वेश्चन को अगर आप पूछ ले रहे हैं तब भी उसका आंसर आपको मिल रहा है, राइट? इससे बेस्ट वे क्या होगा? दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज इट। अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया तो नो डाउट जो आपका अचीवमेंट होगा, जो आपकी नॉलेज होगी, जो आपकी लर्निंग्स होंगी, वो इस परमानेंट कंटेंट की तरीके ही परमानेंट होंगी, राइट? स्टूडेंट्स, किसी चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अब हमें क्या देखना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम उनके बेनिफिट्स को ज़्यादा लेते हैं या हम उनकी नेगेटिविटी को ज़्यादा लेते हैं, तो इट्स अप टू यू, राइट? सो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड यूटिलाइज इट प्रॉपरली, राइट? ऑल द बेस्ट, अच्छे से सीखिए और करके दिखाइए कि नहीं, हमारे अंदर पोटेंशियल है और हम उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे बोर्ड्स में, कोई भी सिचुएशन किसी भी तरीके से हमें नहीं रोक सकती। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी टाइप ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस, ओके? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए। जीडी गोयनका से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको इस तरीके के कंटेंट को फ्रेम करके दिया जा रहा है। ऑल द बेस्ट।